प्लान टेबल मैपिंग जो है वो सिंपली वो होता है कि आप किसी एरिया में आप मैप जनरेट करते हैं, ठीक है, और उसमें जो है आप बीयरिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। इसका जो मेन जो काम आ रहा होता है वो आ रहा होता है आपका ट्रायंगुलेशन के ऊपर, ठीक है। ट्रायंगुलेशन के ऊपर मैंने आपको दूसरी जो बुक थी जियोलॉजिकल फील्ड मैपिंग, उसके थ्रू मैंने एक आपको रफली बताया था कि वो ट्रायंगुलेशन होती क्या है कि अपने आप को लोकेट करना। इसमें ये होता है कि आप एक बेस लाइन सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले हम रफली से मैं आपको सारा बता देता हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसमें आप बेस लाइन सेट कर देते हैं, जैसा ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 है। इसके थ्रू जो है आप ये फीचर नंबर 1 ए जो है ऊपर टॉप पे, इसको आप दो जगह से, दो लोकेशन से आप इसको जो है ना वो कर रहे होते हैं, ट्रायंगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जिस टाइम आप ट्रायंगुलेट करेंगे उससे पहले जो है आपने उसका स्केल एक आप जनरेट कर लेते हैं उस एरिया में, किसी आप एक सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि आप जो है वो एक्स वाई डायरेक्शन में आपके जितने आपके जितने फीचर्स हैं वो आपके एक्स वाई में आ रहे हो, ठीक है। एक्स वाई ये कि जैसा ये कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश आ गया, यहाँ पे वाई डैश आ गया, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स में आप ना करें, बेटर ये होता है कि आप इसमें करें। तो इसलिए जैसे हम आप फील्ड सर्वे स्टार्ट करेंगे तो आपका जो एरिया है उसमें जो आप स्टार्टिंग पॉइंट जो ए पॉइंट है आपका 1 पॉइंट आ रहा है, ये वाला, इसको आप रखेंगे साउथ वेस्ट में, ठीक है। ये आपके पास नॉर्थ आ गया, ये ईस्ट आ गया, ये आपके पास साउथ आ गया और ये आपके पास वेस्ट आ गया। तो आप उस एरिया के साउथ वेस्ट में, अब जैसा ये एरिया है यहाँ के आप साउथ वेस्ट में अगर आप रखते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने पॉइंट्स हैं वो आपके पॉइंट जो हैं वो उस मैप पे आपके इस साइड पे पॉजिटिव पॉइंट्स में आते जाएंगे। पॉजिटिव एक्स भी होगा, पॉजिटिव वाई भी होगा। यहाँ पे आपको पता है ना, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपके पास वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो है, यहाँ पे एक्स आपके पास पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है और यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं। इसका आइडिया है ना आपको? ये सिंपल मैथमेटिक्स है यार। ठीक है, तो वो इसकी प्रीलिमिनरीज में ये है कि आप जो है इसको कोशिश करेंगे, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो बेस लाइन आप जहां से ड्रॉ करेंगे, ये आपकी बेस लाइन है, ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। इन दो ही पॉइंट पर से आप सारे के जो जितनी लोकेशंस हैं उनको ट्रायंगुलेट करके अपने पास मैप बनाते हैं, ठीक है। ये मैप जो है आप इसको लेटर ऑन जो है उसकी प्रोजेक्ट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उनके ले लें, आप जो है दोबारा इनको रिलोकेट कर सकते हैं। अगर आप सिंपली सर्वे मैप बना रहे हैं, जिस तरह आपके वो थियोडोलाइट वगैरह यूज करके तो वो इंजीनियरिंग वाले बनाते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जरूरत नहीं है। आपको एक एक्स वाई प्लेन के अंदर आप जो है वो मैप जनरेट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसके जो बेसिक इक्विपमेंट है उसमें आपके पास एक टेबल आ जाती है, ठीक। टेबल हम उसके लिए ये देखते हैं, ये आपके पास ट्रैवर्स बोर्ड आ गया, ये सिंपल बोर्ड है, इसकी डायमेंशन वगैरह उन्होंने बताई हुई है। सिंपल गत्ता है, ठीक है। इस गत्ते का होता यह है कि इसका जो लोअर पोर्शन होता है उसमें स्क्रू ऐड अप करने की जो है वो जगह होती है, ठीक है। उसके थ्रू ये जो नीचे ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड थियोडोलाइट के बारे में पता है आपको? हेलो, यस सर। सर ये वो सिविल इंजीनियरिंग वाले यूज करते हैं सर्वे करने के लिए, रोडों पे अक्सर लेके खड़े होते हैं। हाँ जी, तो हम देखते हैं अगर यहाँ पे थियोडोलाइट कहीं पे लिखा हुआ है तो हम उसको ये लिखा हुआ है, सर्च ऑन वेब करते हैं ताकि आपको जो है उसकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई दे जाए। ये सर्च हुआ हुआ है, ये होती है डिवाइस, ठीक है। कि सिंपली आपने सर्वे वालों को देखा होगा, इसमें जो है ये ऊपर हैंड यस सर, ये ऊपर टेलीस्कोप लगी होती है। टेलीस्कोप के थ्रू जो है वो सिंपली जो है बंदा होता है, उसने आगे जो है एक स्केल पकड़ा होता है, ठीक है, डंडा होता है, उसके ऊपर सिंपली वो ऊपर से नीचे तक स्केल लिखे होते हैं, ठीक है। स्केल ये कि उसमें फीट वगैरह लिखे होते हैं कि ये जो है 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, ठीक हो गया। तो ये जो है सिंपली ये करता क्या है कि इसके अंदर आपके पास एक वो होता है क्रॉस हेड होता है, ठीक है, उसके एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है। इसको यहाँ पे जनरेट करते हैं इसका क्रॉस हेड, कि जो आप टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे ना, तो टेलीस्कोप के थ्रू ये यहाँ पे आपके पास ये इस तरह का क्रॉस हेड दिखाई दे रहा होगा, जिसमें वो स्कोप के अंदर नहीं होता, किसी भी स्कोप के अंदर जो होता है वो सिंपली उस एरिया को, उस पोर्शन को जो है ना वो टारगेट करने के लिए। तो दूसरा बंदा जो होता है उसके पास एक रॉड पकड़ा होता है, उसके ऊपर यहाँ पे डिफरेंट लेवल लगे होते हैं, ठीक है, 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, वो सिंपली इसके थ्रू जो है ना लेंस के थ्रू उसको टारगेट करता है। तो ये जो होता है थियोडोलाइट, ये बेसिकली इसके 2 इक्विपमेंट होते हैं, या तो ये बार दफ़ा जो सोफिस्टिकेटेड है उसमें वो लेज़र बीम जो है हिट करता है और उसको रिटर्न बैक करता है, ठीक है। तो उससे 2 वे ट्रैवल इसके पास आ जाता है उसका डिस्टेंस का। इसके काम क्या होते हैं, एक तो ये डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, तो जो टारगेटेड पोजिशन है वहाँ तक आपका जो है डिस्टेंस कितना है। सेकेंडली उसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो एंगल होता है ना उसको ये फाइंड आउट करता है, ठीक है। ये प्लेन टेबल का सोफिस्टिकेटेड वर्जन है, ठीक है। अब प्लेन टेबल लोग इतना नहीं करते जितना जो है, क्योंकि ये इजीली आपके पास जो है ना आपको रीडिंग मिल जाती है, बजाय इसके कि आप प्लेन टेबल के थ्रू करेंगे तो उसमें आपको कंपास भी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा आपको जो है वो मेजरिंग टेप भी चाहिए ना 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक। तो थियोडोलाइट का आपको पता लग गया? यस सर। इसके नीचे जो होता है ना वो ट्राइपॉड होता है, ठीक है। ट्राइपॉड वगैरह का आपको वैसे भी आइडिया होगा, कैमरास वगैरह में भी अब आते हैं, ठीक। तो वो इसका स्क्रू वाला ट्राइपॉड होता है, यार ये एक तो ना इसमें क्या मसला क्या है, तो इसका टॉप हेड होता है। टॉप हेड के अंदर जो है यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, ठीक है, और इसकी जो 3 लेग्स होती हैं, ठीक, उन 3 लेग्स को आप बेसिकली फर्स्ट क्या करते हैं कि इसके साथ में यहाँ पे माउंटर सा होता है, उसके ऊपर आप पाँव वगैरह रख के उसे जमीन में माउंट कर सकते हैं ताकि वो जो है अपनी जगह से हिले ना, जैसे ही आप मूव कर रहे हैं ना तो वो अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। सेकेंडली इसका काम क्या होता है, जैसे हम थियोडोलाइट यूज कर रहे होते हैं तो इसमें होता है ऑप्शन के आपके एक बॉटम पे एक लेंस लगा होता है, ठीक है, उस लेंस के थ्रू वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड शो कर रहा होता है कि वर्टिकली आप किस पॉइंट पे हैं, ठीक है। तो इनिशियल सेट ऑफ पॉइंट जहाँ पे आपने ये पॉइंट नंबर 1 रखा है आपकी बेस लाइन का, तो ये आपका वहाँ पे विजिबल होता है। तो वहाँ पे एक आप कैप वगैरह रख लेते हैं, ठीक है, ग्लोइंग कैप जो आपको इजीली दिखाई दे सके, येलोइश कलर का हो, ठीक है, या ऑरेंज कलर का जो ग्रास वगैरह के साथ जो है ना मैचिंग में ना हो, ठीक है, ताकि वो आपको इजीली दिखाई दे सके ना। तो ये आप इससे अपनी पोजीशन मार्क करते हैं, ठीक है। अब बेसिक में जाते हैं, बेसिक में ट्राइपॉड आपका जो है वही है, ठीक है, थियोडोलाइट का। इसके ऊपर आप जो है बोर्ड जो है वो इसको माउंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बेसिक इक्विपमेंट है आपके पास प्लेन टेबल उसमें सर्वे में, एक तो आपके पास बोर्ड होना चाहिए, ठीक है, दूसरा आपके पास एक यू शेप का एक क्लिप होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक, जो चिमटे की तरह का होता है। उसका काम क्या होता है कि उसको आप यहाँ पे माउंट करते हैं, क्योंकि इसमें तो थियोडोलाइट वाला ऑप्शन नहीं है ना। थियोडोलाइट में होता क्या है कि वो लेंस है, एक सेकेंड, ये फिर सर्च करने पड़ गया। हाँ, इसका ये जो बॉटम है ना नीचे जो सिल्वर कलर का जहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा है, ये जो इसकी स्क्रीन लगी हुई है इसके नीचे, तो यहाँ पे उसने एक टेलीस्कोप लेंस होता है, इसके थ्रू आप वर्टिकली नीचे देख के अपनी पोजीशन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें आप वर्टिकली यहाँ नीचे सुराख तो कर नहीं सकते कि सुराख करके आप वर्टिकली नीचे देखें कि आप आया एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर से बेसिकली आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे आप उसको कह सकते हैं क्या नाम है, 0 पॉइंट है इस्लामाबाद में, उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस दिन कि वो 0 पॉइंट बेसिकली क्या है कि वहाँ पर से जितने भी सिटीज़ हैं ना उनका डिस्टेंस मेजर किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपकी बेस लाइन होती है, ये बेस लाइन आपने एक्यूरेट मार्क करनी होती है, क्योंकि यहाँ से आप सारे का सारा डिस्टेंस जितना भी आप मेजर करेंगे किसी भी एक्सपोजर तक का, वो आप यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, इसके जो चिमटा सा होता है, जो क्लिप होता है, इसके साथ आपने एक प्लंज लाइन आपने अटैच करनी होती है। और जिस तरह वो आपने अगर मिस्त्रियों के पास देखा हो तो वो उनके पास साल होती है। ठीक है, yes, मुझे नहीं पता उसे उर्दू में क्या कहते हैं या फिर पश्तो में क्या कहते हैं, इनको में उसे साल कहते हैं। ठीक है, हाँ, वो बेसिकली क्या होती है कि वो ऊपर एक इस तरह का बीट लगा होता है। ठीक है, उसके दरमियान से रस्सी गुजरी होती है और नीचे एक प्लम सा होता है, ठीक है, लट्टू टाइप का। वो उसको बार बार लगा के देखते हैं ताकि ये जो वॉल वो बिल्डअप कर रहे हैं वो उसमें कोई टेढ़ा कोई खाम तो नहीं है। ठीक है, तो ये साल सूत्र जो होता है ना, ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि ये बॉब होता है नीचे, तो ये ऑब्वियसली वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे अट्रैक्ट होता है। तो ये आपके पास वो प्लंज लाइन शो कर रहा होता है कि यार ये नीचे जो है कौन सी लोकेशन पे ये मार्क हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चिमटा होता है, ये इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये उसके सेंटर तक आपको एक्सेस दे दे ताकि आपको पता लगे कि आप सेंटर मार्क कर लें कि यहाँ पर आपने पॉइंट ए रखा है, तो यहाँ पर से ये सेकेंड जो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं जितने भी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, उनकी आप बीयरिंग भी लेंगे प्लस आप उनका डिस्टेंस भी लेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिक इक्विपमेंट में क्या आ गया आपके पास, एक प्लेन टेबल आ गया, ठीक है, एक ये प्लंज लाइन आपके पास आ गई, ठीक हो गया, फिर ये आपके पास क्लिप आ गया। लेटर ऑन मैं आपको शेयर कर दूंगा इनकी पिक्चर की जो बेसिक इक्विपमेंट है उसका ना। तो उसके अलावा एक आपके पास साइटिंग पर्सन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे वैसे तो एक सिंपल बंदे को भी आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सिंपल बंदा ऑब्वियसली अगर मेरी तरह का थोड़ा सा मोटा हुआ तो वो आपको जो है ना उसे लोकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने सिंपली अगर रॉड रख लेते हैं, रॉड में अगर आप थियोडोलाइट यूज़ कर रहे हैं तो वो स्केल्ड रॉड होता है, ठीक है, उसके ऊपर मार्किंग हुई होती है। अगर आप थियोडोलाइट नहीं यूज़ कर रहे, आप सिंपल प्लेन टेबल कंपास वो कर रहे हैं, तो उसमें जो है सिंपल एक डंडा भी इज सफिशिएंट। ठीक है, फिर आपके पास एक चीज होती है जिसे कहा जाता है एलिडेड। ठीक है, एलिडेड क्या होती है, उसमें कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें आपके पास एक स्केल होता है, एक फुटा लगा होता है, ठीक है, उसकी दोनों साइडों पे पीप साइड्स होती हैं। ठीक है, पीप साइड, पीप बेसिकली कहा जाता है तांका झांकी के लिए। ठीक है, जो ब्रंटन है ना उसको जिस टाइम आप ओपन करते हैं तो उसकी एक लॉन्ग साइट होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है पीप साइट। ठीक है, वो ये अक्सर इसके अंदर फोल्डेड होती है, आपने देखी होगी ना। यस सर, देखिए। यस सर, ठीक है, तो वो जिस टाइम मैंने आपको बीरिंग का बता रहा था, तो बीरिंग के लिए जो है ये उसने जो मिरर का पोर्शन था इसको उसने 120 डिग्री के ओपन किया हुआ था और इसको उसने 90 डिग्री पे ओपन किया हुआ था पीप साइड को। तो वो कर क्या रहा था, यहाँ से ऊपर जिस टाइम वो गेजिंग करता है उसको किसी भी फीचर को, तो वो गेजिंग उसको ये जैसा ये वाला फीचर है आगे, ठीक है, वो इसके थ्रू वो इसको साइट अप कर रहा होता है, ठीक है, इसे टारगेट कर रहा होता है, जैसा वो गन में नहीं की जाता, ठीक है, तो इसके थ्रू इसको टारगेट बैक कर रहा होता है। ठीक, तो ये जो एलिडेड होती है इसमें दो लगे होते हैं, एक आपके पास ऑब्वियसली यहाँ पे स्केल लगा हुआ, तो ये आपके पास 0, 1, 2, 3 एक साइड से स्टार्ट हो रहा होगा। ये जो दूसरी, तो एक आपके पास ये स्कोप का वो आ गया पीपिंग साइट, एक आपके पास ये आ गई, इसके अंदर मोस्टली जो आगे सोफिस्टिकेटेड होते हैं उसके अंदर हेयर भी लगा होता है, ठीक है, टारगेटेड हेयर जैसे कह सकते हैं आप। ठीक है, वो होता क्या है कि वो आपके पास बेसिकली ये एक पीपिंग साइट है और ये उसके अंदर जो है ना हेयर है, ताकि उसे आप मजीद जो है वो आप उसको सेंट्रलाइज कर सकें। ठीक हो गया, तो इसके अलावा आपके पास जो बेसिक इक्विपमेंट में एक और आता है फाइनल, वो आती है कंपास। ठीक है, सिंपल कंपास चाहिए हमें नॉर्थ ओरिएंटेशन करने के लिए। ये जो बोर्ड है इसको हम नॉर्थ ओरिएंट करेंगे स्टार्ट में। जिस टाइम मैं आपको वो ट्रायंगुलेशन का तरीका बता रहा था, तो ट्रायंगुलेशन के तरीके में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आप उसकी जो है जिस टाइम साइटिंग वगैरह करते हैं तो उसको जिस टाइम आप मैप पे प्लॉट कर रहे होते हैं तो उससे पहले इनिशियल टास्क क्या होता है कि आपने मैप को नॉर्थ ओरिएंट करना होता है। ठीक है, नॉर्थ ओरिएंट करेंगे तो फिर उसके ऊपर बी रिंग मार्क होगी। सेकंड जो उसका स्टेप होता है वो ये है ना। तो जो हमें कंपास चाहिए, कंपास का सिंपल मकसद क्या है कि ये जो बोर्ड है आपका इसको वो नॉर्थ ओरिएंट कर दे। ठीक है, तो फिर करते क्या है, आपने फर्स्ट पॉइंट पर से देखते हैं। ठीक है, ए पॉइंट आपने मार्क किया, वहां पर से सारी फीचर्स की आप जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, साइटिंग डिस्टेंस में होता है तो वो आप इस पोजीशन से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने सिंपल जो मेजरिंग टेप है उससे फाइंड कर दिया। फिर आपने जो है इसको एलिडेट के थ्रू जो है ना अपना एक पॉइंट आपने मार्क करता होता है। ठीक है, कि ये पॉइंट मेरा ए है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा बी है, या इन दो लोकेशन से मैं करूँगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास फीचर जो था, जो ये वाला फीचर है आपके पास, इसका डिस्टेंस आपने मेजर किया, वो फॉर एग्जांपल 30 मीटर था। ठीक है, तो आप एक स्केल जनरेट करते हैं अपने पास के 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो फिर आपके पास 30 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 30 मीटर। 300 मीटर के 300 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 मीटर होगा। 30 मीटर। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 30 मीटर। तो मीन्स कि इतना जो डिस्टेंस है उसे जिस टाइम आप मैप पे प्लॉट करेंगे तो वो आपके पास कितनी लाइन बनेगी? 3 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। ठीक हो गया। फिर ये यहाँ पर से आप यहाँ पे एक क्रॉस मार्क कर दें। ठीक है, इसी तरह फिर आप यहाँ पे जितने और क्रॉसेस हैं उनको मार्क कर दें। ठीक है, लाइन यहाँ पे आप एक डॉटेड लाइन जनरेट कर दें। फिर आप बी सेक्शन पे जाएंगे, बी सेक्शन से फिर आप उनको रिलोकेट करके आप उन्हें, ये बी सेक्शन की हम रेड मार्क कर देते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप दोबारा बी रिंग करेंगे तो जहाँ पे ये क्रॉस कट कर रहे होंगे वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशंस होंगी। ये लाइन आपने कितनी जनरेट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस स्केल जो आपने वहां पे लिखा है। ठीक है, अभी इसको पढ़ते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझ आ जाएगा। ये इसकी बेसिक थ्योरी है। तो ये उसने स्टार्ट में कहा कि जो आपके पास प्लेन टेबल होते हैं वो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल आपके पास मैपिंग बोर्ड होता है। ठीक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह की कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड चीजें नहीं लगी हुई, एक सिंपल बोर्ड है जो आप एक ट्राइपॉड के ऊपर आप उसे जो है माउंट कर सकते हैं और उसे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, लॉकिंग मैकेनिज्म इसलिए चाहिए था कि वो अगर आपको उसे कोई झटका वगैरह कोई लगता है उसको तो वो अपनी लोकेशन से घूम ना जाए। घूमेगी तो ऑब्वियसली वो फिर जिस टाइम आप दोनों पोजीशन से आप उसकी बीरिंग लेंगे तो वो बीरिंग फिर वो आपकी जो है ना वो एक्यूरेट नहीं आ रही होती। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि जो बोर्ड आपने वहाँ पे फिक्स किया है वो अपने नॉर्थ को जो है वो छोड़े ना। ठीक है, तो एक तो काम ये है कि उसने ये कहा कि जिस टाइम आप मैप बना रहे होंगे तो मैप बनाने से पहले आप उस एरिया को आप स्टडी कर लें। ठीक है, सिंपली जाके जो है आप उसका एक लैंड सर्वे करके आप देख लेंगे जी कौन कौन से फीचर जो हैं वो स्टडीएबल हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे जो मैपिंग हम कर रहे थे तो उसमें हमने इंटेलिजेंस मैपिंग की बात की थी। तो इंटेलिजेंस मैपिंग क्या थी कि आप जो मैपिंग कर रहे हैं वो आप जो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स हैं सिर्फ वहाँ पर मैपिंग करेंगे। ठीक है, आप हर जगह पर नहीं कर रहे होते, हर पॉइंट टू पॉइंट। वहाँ पर अगर झाड़ी भी है, आप झाड़ी की भी मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप लोकेट करके उसके ऊपर डाल रहे हैं मैप के ऊपर, तो उसकी तो ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो जो आपके वहाँ पे एक जनरल सर्वे करके आप ये देख लें कि यार वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट आपके पास एक्सपोजर्स हैं किन किन को स्टडी करना है उनको आप मार्क करते हैं। ठीक, तो उसकी बेस पे आप अपनी बेस पॉइंट आप मार्क करेंगे, ठीक है, ताकि वो जितने भी हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हो, ठीक है। इसलिए उस एरिया के आपने इस क्वाड्रेंट में रहना है, साउथ वेस्टर्न क्वाड्रेंट में रहना है, ये आपके पास एरिया है। इसलिए जितने भी वो आप बीरिंग करेंगे वो आपके पास जो है पॉजिटिव एक्स वाई में आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि एक छोटे एरिया पे कर रहे हैं तो इसलिए हम इसकी डिग्री मिनट सेकंड्स में इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह नहीं फाइंड करेंगे, हम इसे यूटीएम में फाइंड करेंगे, ठीक है। यूटीएम और डिग्री मिनट सेकंड का मैंने लास्ट टाइम आपको फर्क बताया था कि जो सेकंड है वो ऑलमोस्ट 31 मीटर के ऊपर वो चेंज होता है, और अगर हम सर्वे ही आपके जो एक फीचर है वो आपके जो है वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे आ रहा है, तो वो उसमें तो ना आपके पास डिग्री चेंज होगा, ना आपके पास मिनट चेंज होगा, ना आपके पास सेकंड चेंज होगा। लेटर ऑन जिस टाइम आप उसको मैप पे जनरेट करेंगे तो सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे आ रहे होंगे, क्लस्टर हो रहे होंगे, हालांकि वो एक ही पॉइंट पे तो नहीं है, ठीक है, उनमें डिस्टेंस है। तो इसलिए जो यहाँ पे अगर आप जीपीएस की वैल्यूज यूज करें तो उसके लिए मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप यूटीएम यूज करेंगे। यूटीएम काम कर रहा होता है मीटर के ऊपर, ठीक है, वो जो आपका इनिशियल पॉइंट होता है वहां से वो बताता है कि कितने मीटर का डिफरेंस है, ठीक। तो बोर्ड की स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये 50 टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपके पास सिंपल एक बोर्ड होता है जो आपके हॉरिजॉन्टली माउंट कर सकते हैं आप किसी ट्राइपॉड के ऊपर, ठीक है, उसको आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है, एट एनी चोजन डायरेक्शन पे, ठीक है। सिंपल बोर्ड है लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि आपके पास 50 टू 60 सेंटीमीटर का हो, ताकि आप अच्छे खासे उस एरिया के ऊपर जो है आप A4 की या लीगल फॉर्मेट का आप उसके ऊपर अगर कुछ लगा रहे हैं, कोई पेज लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो इजीली उसके ऊपर प्लेस हो सके, और उसके अलावा आपके पास जो है कोई स्पेयर एरिया भी हो, ठीक हो गया। और उसमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि वो लॉक हो सकता है, वो किसी एक पोजीशन पे आप लॉक कर दें तो उसके बाद वो अपनी जगह से हिले ना, ठीक। तो इन प्लेन टेबल को नॉर्मली जो कहा जाता है ट्रावर्स बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रावर्सिंग बेसिकली ये है कि आप जिस टाइम एक ट्रावर्स के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो वो आपको ये ट्रावर्स मैप बनाता है, ठीक है। जैसे आपका ये ब्रंटन और टेप कंपास जो है ना, टेप एंड कंपास मेथड जो है वो बेसिकली ट्रवर्स मैपिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप इसका रेडीली फिटेबल जो ट्राइपॉड है वो थियोडोलाइट का वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो वो ये उसने कहा कि बेसिक जो जिस टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक आप सर्वे में नॉन डिस्टेंस अपार्ट आप दो पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, जहां पर से आप सारे पॉइंट्स को आप साइटेबल करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं आपस में साइटेबल पोजीशन पे होने चाहिए, ताकि एक को दूसरे से, क्योंकि हम वहां पर जैसे हम दूसरी लोकेशन पे जाएंगे तो हम बैक बीरिंग करेंगे उसकी, ठीक है। तो इसलिए उस बोर्ड को आप ये है, ये एक पोजीशन पे आपकी है और ये सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। अब ये देखें, ये जिस टाइम आप बीरिंग करते हैं तो ये सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो जिस टाइम आप सेकंड पोजीशन पे जाएंगे तो आप बोर्ड को रोटेट करेंगे, और रोटेट करके आप यहाँ पे सिंपली काम क्या है कि आप एलिडेड को रखेंगे और उससे आप साइड बैक करेंगे, ताकि आपको वो पोजीशन जो इनिशियल पॉइंट है ना वो आपको दिखाई दे। तो फर्स्ट थिंग आपकी क्या है कि आप दो पॉइंट्स को आप एस्टेब्लिश करते हैं जो आपकी बेस लाइन बनाते हैं, ठीक है, वो आपस में साइटेबल डिस्टेंस पे हों। साइटेबल डिस्टेंस पे मैक्सिमम आपके पास जो आ गया मतलब 200 मीटर पे आ गया, ठीक है। उससे जितना आप दूर होते जाएंगे, अगर वो वहाँ पे कर्वी किस्म की टोपोग्राफी है तो वो यू कैन लूज द साइट, ठीक है, क्योंकि हमने उसको बैक बीरिंग करके जो बोर्ड है उसको लाइन भी करना है, ठीक है। तो इनको आप फर्स्ट और सेकंड सर्वे पॉइंट्स कहा जाता है। तो वंस एस्टेब्लिश्ड यूजिंग द सर्वे टेप और चेन, दे कैन बी मार्क्ड ऑन द ग्राउंड विद द पेग और फ्लैगिंग टेप या फिर बोथ, ठीक है। ये जिस टाइम आपने इस्टेब्लिश कर दिए वहाँ पे आप इन्हें मार्क करते हैं। जैसा मैंने आपको थियोडोलाइट का बता रहा था कि उसका जो डाउन लेंस होता है वो आपको पोजीशन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा रहा होता है, ठीक है। और जो प्लम लाइन के थ्रू भी आप ये जो कर रहे हैं, ये बेसिकली वो पॉइंट आपका सर्वे पॉइंट ए है और सर्वे पॉइंट बी आएगा, ठीक है। तो इन लोकेशंस पे ताकि ये लेटर ऑन जिस टाइम आप वहाँ से ट्राइपॉड उठाते हैं तो आपका जो आपका हेल्पर है वो यहाँ पे आके उसने यहाँ पे बैक बीरिंग के लिए यहाँ पे रॉड पकड़ना है, तो ऐसा ना हो कि वो पोजीशन ही गायब हो जाए, ठीक है। तो उस पोजीशन को मार्क करने के लिए या तो आप वहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं या फिर आप कोई स्टेक वगैरह लगा देते हैं, पैग वगैरह लगा देते हैं ताकि जो वो इजीली लोकेटेबल हों, ठीक है। अगर वहाँ पे ग्रासी लैंड है या कोई और है तो वो चांसेस होते हैं कि आपने कोई वहाँ पे कोई छोटे से पत्थर वगैरह रखा था या कुछ रखा था, तो पत्थर तो ऑब्वियसली जियोलॉजी के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है, जो वहाँ की लिथोलॉजी है उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो चांसेस ये हैं कि आप अपना जो इनिशियल पॉइंट है उसको आप लूज कर देंगे। तो इसलिए जिस टाइम भी आप सर्वे कर रहे होते हैं तो इन सर्वेस के लिए वहाँ पे रिकमेंडेड ये होता है कि आप कोई फ्लैग वगैरह, ठीक है, जिसके ऊपर ग्लोइंग हो, जो इजीली लुक उसके ऊपर आप एक सिंपल नज़र में आपको वो मिल जाए, ठीक है। तो इस प्लेन टेबल को आप उसके ऊपर जो है ना एग्जैक्टली उसके ऊपर आप माउंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको जो है कंपास के साथ ओरिएंट करते हैं। कंपास के साथ ओरिएंट करने का मेन मकसद ये होता है कि मैप का आपकी जो शीट है इसका नॉर्थ और कंपास का नॉर्थ एक साइड पे आ जाए, ठीक है। ये आपका पेज है, इसके साथ यहाँ पे आप सिंपल एक कंपास रखेंगे, ठीक है। कंपास फॉर एग्जांपल उस टाइम पे इस साइड पे आपका नॉर्थ शो कर रही थी, तो आप इसे रोटेट करेंगे फर्दर इस साइड पे ताकि ये पूरा जो बोर्ड है, आपने कंपास को नहीं मूव करना, ठीक है। जिस टाइम आप मैप को अलाइन कर रहे होंगे या अपनी शीट को या अपने बोर्ड को आप अलाइन कर रहे होंगे तो आपने कंपास को उसके एज पे रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने बोर्ड को रोटेट करना है, ठीक है। जब नॉर्थ की कंपास वहाँ पे आपके पास जो जीरो आ रहा है उसके ऊपर आपकी नॉर्थ की कंपास का जो है वो अलाइन हो जाती है, तो वहाँ पे आप बोर्ड को लॉक कर देंगे, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपका ये जो बोर्ड है ये नॉर्थ अलाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आप जब आपने उसको लोकेट डाउन कर दिया, ठीक है, अपनी पोजीशन लोकेट डाउन कर दिया, आपने एक कॉर्नर पे मार्क लगा दिया कि ये आपका ए पॉइंट है, तो वहाँ पर से आपने करना क्या है, आपने एलिडेट को यूज़ करना है, ठीक है। उसका एक पॉइंट आप रखेंगे उसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मेरा सर्वे पॉइंट ए है, ठीक है। तो एलिडेट का मैं एक एंड इसके एज पे रखूँगा, ठीक। इसके एज पे रखने के बाद मैं एलिडेट को रोटेट करूंगा। एलिडेट को रोटेट करने के बाद यहाँ पे जो आपका सेकंड बंदा खड़ा है, ठीक है, इसको साइट अप करने के लिए उसकी जो पीपिंग साइट्स हैं उनके दौरान, ठीक है। तो जिस टाइम वो साइट इन हो गया उन दो पीप्स के दौरान उसके अंदर, ठीक है, जब वो साइट इन हो जाता है तो इट मीन्स कि आप उसकी अलाइनमेंट में आ गए, आप उसकी बीरिंग में आ गए। तो फिर आपने वो जो पहले स्केल जनरेट किया हुआ है कि आप के जितने हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस के मुताबिक किया जाता है। ये नहीं है कि आपने जो है 1 रेशो आपने 10 किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर की इक्वल है, ठीक है। तो आपकी जो है ज़्यादातर अगर वो बन रही है क्या नाम है जो लोकेशंस हैं वो आपकी 30 मीटर से 40 मीटर के अंदर आ रही हैं, तो फिर लाजमी तो नहीं है कि आप इतना ही शॉर्ट स्केल रखें, क्योंकि वो फिर आपके पास जब एंड में आपके पास मैप बनेगा तो वो इतना छोटा सा ही बनेगा आपके पास। तो वो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको करते हैं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर के इक्वल, ठीक। तो जितना वो आप स्केल ज़्यादा या छोटा कर सकते हैं वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका मैक्सिमम जो है जो इमेज है वो कितना दूर है, ठीक है, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना दूर है। अगर मैक्सिमम आपके पास 100 मीटर का आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर कर सकते हैं, ठीक है, समझ आई। तो जो स्केल होता है वो डिपेंड कर रहा है कि आप जितनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपकी इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर पे आ रहे हैं। सही है, इसकी समझ आई है? यस सर, यस सर, आ गई है सर। तो हमने वो इनिशियल पॉइंट के ऊपर एलिडेट का एक पॉइंट रखेंगे, उसका एक एज रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम, आपने बोर्ड को नहीं छेड़ना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड को हमने नॉर्थ के साथ अलाइन करके लॉक कर दिया। उसका एक एज आपने उस एलिडेट का आपने इसके ऊपर रखा और उसको आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में एलिडेट को, वो जो फुटा है जिसके ऊपर दो वो पीप साइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप पीपिंग करें, ठीक है, आप देखें, उसके थ्रू जो है ओरिएंट करने की कोशिश करें। जब वो आपको दूसरा बंदा वहाँ पे उसका जो मार्कर रॉड है वो दिखाई दे रहा है तो वो आप यहाँ पे उस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अपने स्केल के मुताबिक, अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास 25 मीटर है तो आप यहाँ पे लाइन कितनी करेंगे, आप 2.5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। समझ आ गई? यहाँ पे उसके एज के अलाउंग जो है 2.5 सेंटीमीटर की आपने लाइन जनरेट कर दी, ठीक। इसी तरह आप बाकी फीचर देख रहे हैं उसके साथ आप लाइन कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि यार कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के मुताबिक आपने प्री डिफाइंड जो आपके पास स्केल है उतनी आप वो करते हैं लाइंस, ठीक हो गया। फिर अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ये जितने फीचर आपने स्टडी करने थे ये आपने कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप पॉइंट बी पे जाते हैं, ठीक, ये पॉइंट बी है, मैं इसको थोड़ा साफ कर लूं। ये आपका पॉइंट ये आ गया, या फिर आप इसे इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट टू आ गया, ठीक है, ए उसने यहाँ पे मार्क किया हुआ है इसलिए मैं ए नहीं कर रहा इसको। पॉइंट वन और पॉइंट टू जो है ये आपके बेस लाइन है, ठीक है। जिस टाइम आप पॉइंट टू पे जाएंगे, ये ऑन रियल ग्राउंड आपके पास एक ये था और एक ये था। जब आप पॉइंट टू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आप सिंपली इस टेबल को या तो आप नॉर्थ के ही अलाइन कर दें, ठीक है, नॉर्थ के अलाइन करेंगे तो आइडियली ये है कि जिस टाइम पॉइंट टू से आप पॉइंट वन को दोबारा देखेंगे तो आपको जो है वो एक ही साइड में दिखाई देना चाहिए। अब इन दो के दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपने ऑलरेडी प्री डिटरमिन रखा हुआ है कि अगर आपने 200 मीटर का डिस्टेंस रखा हुआ है तो इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर किया हुआ था ना, तो 200 मीटर के लिए कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, 200 मीटर के लिए तो ये आपके पास 20 सेंटीमीटर होगा। तो आपने पॉइंट वन के ऊपर यहाँ पे एलिडेट, ये तो हमारे पास सेट था ना, यहाँ पे आपने एलिडेट रखा, उसके बाद आपने एलिडेट को रोटेट किया जब तक ये आपका पॉइंट वन पे यहाँ पे जो बंदा खड़ा है आपका ये उसके साइट अप नहीं हो जाता। जब ये साइट अप हो जाएगा तो आप उसके अलॉन्ग लाइन ड्रा करेंगे कितनी, 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर पे यहाँ आप पॉइंट टू मार्क कर देंगे। समझ आई? तो ये आपके पास क्या बन जाती है, इसको कहा जाता है बेस लाइन, ठीक। तो ये इस इन दोनों के थ्रू आप सारों को लोकेट करेंगे। अभी सेकंड पोजीशन पे भी आपने ये पहले काम क्या होता है कि इस मैप को उसके साथ अलाइन करना, ठीक है। तो पॉइंट टू को पॉइंट वन के साथ आप जिस टाइम अलाइन कर देंगे तो ये मैप आपका जो है उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। अगर ये आप अलाइन नहीं करेंगे तो ये लाइन आपस में कट नहीं करेंगी। फिर आप उसी फीचर पे दोबारा वो बंदा जाएगा, ठीक है, उसी फीचर्स को सारों को वो रिपीट करेगा। फिर आप यहाँ पर से वही वाला सारा जो मैकेनिज्म था जो हमने उसमें किया, साइट वन पे हमने किया कि हम वहाँ पे ये अब जितना है ये जितनी है इनको आप ये 0.2 पर रख के एलिडेड रख के तो आप इन्हें साइड करेंगे, ठीक है। फिर ये आपके पास फीचर बी आ गया, फिर आप इसको करेंगे, ठीक है। फीचर सी आ गया, आप यहाँ पर से आप इसको ट्रायंगुलेट करेंगे। अब होगा क्या कि आपके पास है तो एक ही मैप है ना, तो उस मैप में ऑलरेडी पॉइंट ए से यहाँ पे मार्किंग हुई हुई है स्कैटर्ड लाइन ने, ठीक है। अब पॉइंट बी पर से भी आप जिस टाइम उन्हीं फीचर्स को देखेंगे पॉइंट बी पर से, तो ये आपस में ये ऐसे क्रॉस कट करेंगी, ठीक है। ये जो फर्स्ट रेड लाइन है इसको हम ऐसे करते हैं कि ये 1, आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। इसका ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। लाइन 1 पॉइंट 1 की, लाइन 1 पॉइंट 2 की, ये जहां पे क्रॉस कट कर रहे होंगे ये उसकी एक्यूरेट लोकेशन होगी, समझे। ये सिंपल सा काम है, कर लेंगे आप। तो ये उसकी लोकेशन, ये लोकेशन पॉइंट 2 की, ये फीचर 2 की, 3 की और ये फीचर 4 की लोकेशंस हैं। 2 पॉइंट से आप उनको ट्रायंगुलेट कर रहे हैं, सिंपल सा काम है। फिर आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे जितने उसकी फीचर की डिटेल्स थी वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि उसकी डिप इतनी है, स्ट्राइक इतनी है, उसकी लिथोलॉजी ऐसी है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एट द एंड आपके पास मैप कैसा बन जाएगा, जिस टाइम अगर आप इन लाइंस को रिमूव करते हैं तो ये मैप आपके पास किस तरह ये लोकेशन बन जाएंगी। ये आपके पास बेस लाइन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि उसकी स्ट्राइक क्या है, टिप क्या है। इन पोजीशंस के ऊपर आप उसकी स्ट्राइक, टिप, उसकी ओरिएंटेशन, सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपका एक्यूरेट मैप बनेगा। यहाँ पे आपने जिस टाइम स्टार्ट में आप कंपास के साथ अलाइन करेंगे तो कंपास के अलॉन्ग आप एक एरो जनरेट कर देंगे जिसको नॉर्थ का एरो कहा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने स्केल, इस जो मैप हमने बनाया उसका स्केल क्या था, 1 सेंटीमीटर = 10 मीटर, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उसे कलर अप करना चाह रहे हैं या फिर उस फीचर्स के जो आपने एक्स्ट्रा बीच में डाले हैं, कि अगर आपने ये सिंबल्स यूज़ किए हैं यहाँ पे डिप स्ट्राइक के लिए, तो इन सिंबल्स को आप यहाँ पे लेजेंड में आप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये किसके लिए, ये डिप एंड स्ट्राइक के लिए, ठीक है। अगर कहीं पे वेदर फीचर आपने देखा है, क्योंकि हमने कहा वेदर फीचर भी आपने देखने होते हैं जिस टाइम आप फुल डिटेल में काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई वेदर फीचर देखा है तो उसको आप इस वेव से जनरेट कर रहे हैं तो वो आपके पास वेदर फीचर आ गया, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे कोई फोल्ड देख रहे हैं, ठीक है, तो फोल्ड को आप इस तरह आपने मार्क कर दिया इस सिंबल के साथ, तो ये आपके पास फोल्ड आ गया, ठीक है। तो वो जो लेजेंड होती है वो आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपने जो जो फीचर वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने उस मैप के ऊपर मार्क किए, तो उसकी एक लेजेंड बनाना होता है कि ये फीचर मैंने, या ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया है, इस सिंबल का मतलब क्या है। तो पूछना है इस बारे में, समझ आई है? यस सर। अभी पूछना पूछ लें, जब मैं पूछूंगा तो फिर आपके कान से सर इस तरह तो बेहतर होता सर। ये छुट्टियां हैं तो ऑनलाइन क्लास में तो ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम ये करते सर तो मेरे ख्याल में बहुत वो हेल्पफुल होता। इस तरह भी हाँ, प्रैक्टिकल तो इसका अच्छा है, लेकिन बात ये है कि और सेकंड ये है कि इसके लिए फिर हमें इक्विपमेंट हम थोड़ा सा उधार मांग लेते हैं इंजीनियरिंग वालों से। जी सर ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है इसमें नीचे तफसील के साथ। तो इसमें यह है कि अगर आप हैवीली वेजिटेटेड पोर्शन में जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे चांसेस है कि वो दूसरा बंदा आपको दिखाई ना दे या फिर जो है आप अपना सर्वे पॉइंट्स लूज करते। ठीक है, तो सर्वे पॉइंट्स का बेसिक ये है कि जिस जिस पॉइंट्स पे आपने मार्किंग करनी है, तो फर्स्ट उसने यही कहा कि जिस टाइम आप उस पोजीशन पे जाएं मैपिंग करने के लिए, तो उससे पहले आप वहाँ पे आइडियली ये है कि आप जाके सर्वे कर लें और उसमें आप आइडेंटिफाई कर दें कि आपने कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको आपने स्टडी करना है। ठीक है, तो वो जो पॉइंट आप स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर आप या तो स्टेक लगा दें, ठीक है, जैसे वो नहीं होता लकड़ी का किला सा होता है, वो लगा दें और उनके ऊपर रिबन मार्क कर दें। ठीक है, एक रिबन सा उसके ऊपर कपड़े का कोई भी आप उसके ऊपर जो है ना वो एक डीड टाइप सी कोई भी उसके ऊपर बांध दें, ताकि वो जिस टाइम आप उसे लोकेट कर रहे हों दोबारा तो वो आपको डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट ए बी सी डी हमने स्टडी किए हैं, इनको पॉइंट्स को हमने पोजीशन 2 पे भी दोबारा जाके इन्हीं को री स्टडी करना है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आपका जो साथ का सर्वेयर है वो बेचारा ढूंढता फिरे, फिर वो जमीन पे देखता फिरे कि यार कहाँ पे मैंने वो ईंट रखी थी। ठीक है, ईंट को ठोकर लगी और ईंट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी जो ये जो लाइंस हैं ये आपस में क्रॉस कट नहीं करेंगी, क्योंकि हम दो ही पोजीशन से ले रहे हैं। दो पोजीशन पे लेने का प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास एग्जैक्टली जो है ना वो नहीं आ रही होती। ठीक है, जितने आप इसमें जिस टाइम ट्रायंगुलेशन कर रहे होते हैं, जितने आप ज़्यादा पॉइंट्स पर से उसकी बीरिंग लेंगे ना, जितना मतलब आपकी बेस लाइन है उसके ऊपर जितने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ज़्यादा होते जाएंगे, जितने ज़्यादा लोकेशन पर से आप उनकी बीरिंग लेंगे, उतना जो है वो लाइनें बढ़ती जाती हैं और उतना वो जो है ना प्रिसाइज होती जा रही होती है। आपकी वो क्या करता है, जीपीएस क्या करता है, वो मिनिमम आपको उसने कहा कि 3 सैटेलाइट्स उसको चाहिए। किसके लिए? जिस टाइम पे वो आप सिंपली एक्स एंड वाई आपको कोऑर्डिनेट शो कर रहा हो। लेकिन अगर आपको 3D चाहिए इंफॉर्मेशन जिसमें आपके पास एक्स वाई भी आ रहा है और जेड भी आ रहा है, मतलब एलिवेशन भी आ रहा है, तो उसके लिए मिनिमम आपको 4 सैटेलाइट्स का डेटा चाहिए होता है। तो उसी तरह अगर आप, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसका प्रॉब्लम ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और इसमें आपको साथ में हेल्पर भी चाहिए होता है, तो इसलिए 2 ही पॉइंट से इनकी बीडिंग ली जाती है उन सारे जितने फीचर्स हैं। तो एक तो आप वहाँ पे मार्किंग करेंगे लाजमी। ठीक है, जितने आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं और आपके सर्वे पॉइंट्स हैं बेस लाइन के, समझ आए? तो बेस्ट यही होता है कि अगर हैवी वेजिटेटेड एरिया में आप कर रहे हैं तो जो सर्वे पॉइंट्स हैं वो आप नज़दीक रखें, ताकि आप उसको जो है ना रीलोकेट करके पॉइंट जो आपका बेस लाइन का ए पॉइंट है और बेस लाइन का बी पॉइंट है, वहाँ पर से आप उनको इजीली साइटेबल हों। समझ आई? यस सर। फिर ये नीचे सोफिस्टिकेटेड वगैरह एलिडेट वगैरह उसने बताया हुआ है, इसमें आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है, थियोडोलाइट यूज़ कर सकते हैं, जिसका नेक्स्ट वर्जन आपके पास टैचियोमीट्री भी आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपको जो है वो वहाँ पे क्या नाम है बता रहा होता है, उसके क्रॉस हेड्स वगैरह दिखा रहा होता है। तो उसमें आपके पास एक हॉरिजेंटल, ये आपका पॉइंट 1 है जहाँ पर से आप ऑब्जर्वेशन करें, ये आपका ये जिस टाइम आप पॉइंट 1 सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे उसकी हाइट देख लेते होते हैं। ठीक है, कि आपका जो मीटर है उसकी हाइट कितनी है, वो फॉर एग्जांपल 5 फुट के ऊपर आपने उसे सेट किया हुआ है, ताकि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। ठीक है, ये आपने 6 फुट के ऊपर उसे सेट किया हुआ है, तो साथ में उसकी आप हाइट देख लेते हैं कि यहाँ पे हाइट आपके पास कितनी आ रही है, 6 फीट की आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप उसका देखेंगे 6 फीट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो वो अगर नीचे आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है, तो वो आपको बता रहा होता है, उसका एंगल बता रहा होता है कि ये जो सर्वे पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस इनिशियल पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका और आपका जो आ रहा है सर्वे पॉइंट, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ रहा है। ठीक है, इस एंगल को आप लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, कंटूर मैपिंग के लिए। ठीक है, जो ये अपना नहीं करते सर्वेयर करते हैं वो बेसिकली ये उसकी एंड में कंटूर मैपिंग बना रहे होते हैं, उसमें ये है कि वो एंगल वगैरह का पता लग जाता है कि टोपोग्राफी किस तरह की है।